स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई संपत्ति ऐसी है जो कि पति ने अपनी पत्नी के नाम से खरीदी है और बाद में कुछ ऐसे तनाव हो जाते हैं पति पत्नी के बीच में, जिसकी वजह से वो दोनों साथ नहीं रहते, अलग अलग हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस संपत्ति पर मालिकाना हक किसका होगा। अक्सर ही ऐसी समस्या तब उत्पन्न होती है जबकि जो पति पत्नी होते हैं वो जब साथ में रहते हैं, तो साथ में रहते हुए जब पति अपनी कोई संपत्ति खरीदता है तो अधिकतर ही ऐसा देखा जाता है कि पति संपत्ति जब खरीदता है तो अपनी पत्नी के नाम से ही संपत्ति खरीदता है। लेकिन बाद में जब अलगाव की स्थिति हो जाती है तो यहाँ समस्या ये उत्पन्न होती है कि अब जो संपत्ति पति ने खरीदी थी अपनी पत्नी के नाम से, तो उस पर मालिकाना हक किसका होगा? क्या केवल नाम हो जाने से संपत्ति पत्नी की मानी जाएगी? आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पर आपको जानकारी दी जाएगी। अगर पति ने अपनी पत्नी के नाम से संपत्ति खरीदी है तो उस संपत्ति पर जो मालिकाना हक होगा वो पति का ही होगा। मालिकाना हक पति का क्यों होगा? क्योंकि जो संपत्ति खरीदी है पति ने वो पति के पैसे से ही खरीदी गई है, वो पति की आय से ही खरीदी गई है। अगर यहाँ पर ऐसा होता कि जो संपत्ति है उसमें कुछ भाग का जो पेमेंट है वो पति ने किया और कुछ भाग का पेमेंट पत्नी ने किया है, तो ऐसी स्थिति में जो संपत्ति पर मालिकाना हक होगा वो दोनों का होगा। अगर कभी अलगाव की स्थिति होती तो ऐसी संपत्ति पर मालिकाना हक दोनों का होगा। लेकिन यहाँ दोनों को इस बात का प्रूफ देना होगा, दोनों को उन सारे दस्तावेजों को लगाना होगा जिन दस्तावेजों से ये साबित होता है कि पति ने कितना अमाउंट उसमें पेड किया था और पत्नी ने कितना किया था, तो इसके आधार पर ही मालिकाना हक तय होगा। कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्रॉपर्टी ज्वाइंट प्रॉपर्टी होती है। ज्वाइंट प्रॉपर्टी का मतलब उसमें पति का भी हिस्सा होता है और पत्नी का भी हिस्सा होता है, तो ऐसी संपत्ति पर मालिकाना हक किसका होगा? तो यहाँ पर भी ये देखा जाएगा कि दोनों ने पति और पत्नी ने कितना कितना पेमेंट किया है। पति ने अपनी आय से कितना पेमेंट किया और पत्नी ने अपनी आय से कितना पेमेंट किया है। अब उन दोनों ने जितना अमाउंट पेड किया होगा उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए, तो उस अमाउंट के बराबर का जो भाग होगा वो उनके हिस्से में आएगा। जैसे कि पति ने जितना पेमेंट किया, जितना अपनी आय से दिया है, उतने आय तक का, उतने भुगतान तक का जो प्रॉपर्टी पे हिस्सा होगा वो पति का होगा, और जितने का भुगतान पत्नी ने किया होगा उतने हिस्से के जो मालिकाना हक होगा वो पत्नी का होगा। तो यहाँ पर ये बातें क्लियर हो गई हैं कि संपत्ति पर केवल नाम होने से मालिकाना हक नहीं मिल जाता। मालिकाना हक पाने के लिए ये देखना पड़ता है कि उस संपत्ति के लिए एक्चुअल में पेमेंट किसने किया था, पति ने किया था या पत्नी ने किया था। हमारे भारत में ये बहुत ही आम स्थिति है कि हमारे यहाँ जब संपत्ति खरीदी जाती है तो वो ज्यादातर करके महिलाओं के नाम से खरीदी जाती है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे कारण है इसके पीछे। जैसे कि सबसे बड़ी बात है कि टैक्स में बचत होती है। जब आप महिलाओं के नाम से कोई संपत्ति खरीदते हैं तो उसमें टैक्स में बचत होती है, तो ये एक बहुत ही मेन कारण है। पहले भी लोग संपत्ति जो खरीदते थे पहले के जमाने में, जबकि औरतों को इतना ज्यादा प्रताड़ित किया जाता था, आज के टाइम में तो महिलाओं को बहुत ज्यादा अधिकार मिल गए हैं जिनका वो उपयोग भी करती हैं, दुरुपयोग भी करती हैं। लेकिन उन अधिकारों की वजह से आज जो महिलाओं को जो प्रताड़ित किया जाता था, आज की स्थिति पहले की स्थिति से कहीं बेहतर है। आज भी होता है, हम ये नहीं कह सकते कि आज के टाइम में महिलाएं बिल्कुल ही सुरक्षित हैं या महिलाओं के साथ बिल्कुल भी कहीं गलत नहीं होता। लेकिन हाँ, ये हम इतना जरूर कह सकते हैं कि अब बहुत कम जगह ऐसी है जहां पर महिलाओं के साथ पहले जैसी स्थिति के साथ लोग पेश आते हैं। तो पहले भी लोग, महिलाओं की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी समाज में, लेकिन उसके बाद भी जब संपत्ति खरीदी जाती थी तो महिलाओं के नाम से खरीदी जाती थी। इसका ये मतलब नहीं था कि उनसे बहुत प्यार था या उनसे बहुत ज्यादा लगाव था, इस वजह से संपत्ति खरीदी जा रही है, जबकि इसके पीछे आर्थिक रीजन बहुत ज्यादा थे, आर्थिक जो कारण थे और ये सब बहुत ज्यादा थे। तो आज भी यही होता है, लेकिन प्रॉब्लम तो वहां स्टार्ट होती है जहां पर कि आपने संपत्ति तो खरीद दी पत्नी के नाम से, बाद में आप दोनों अलग हो गए, तो प्रॉब्लम यहाँ से मेन स्टार्ट होती है कि अब पत्नी को ये लगता है कि संपत्ति मेरे नाम से है तो इस पे मालिकाना हक मेरा ही होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, मालिकाना हक उसी का होगा जिसने अपनी आय से उस संपत्ति के लिए भुगतान किया है। तो शायद आज के इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी। अगर इसके अलावा आपको इसी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या इससे रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो आप वो भी बताइएगा, या आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर पूछ सकते हैं। लीगल आपके जो भी राइट्स हैं वो इस चैनल पर आपको बताए जाते हैं, तो अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करिएगा, जिससे
कि लोगों को भी अपने लीगल राइट्स पता चले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।